लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव में शहर की जनता के बीच एक बार फिर से मजबूती के साथ पहुंचने आम आदमी पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस दौरान पार्टी कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष तथा महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनमें जोश भरा। पूरे देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अपनी आगे की भूमिका निभाने अब आम आदमी पार्टी पूरी तैयारियों के साथ कमर कस तैयार नजर आ रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी द्वारा मंगलवार को दुर्ग लोकसभा में प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम जायसवाल तथा महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा झा, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल, मेहरबान सिंह के नेतृत्व में दुर्ग में संगठन विस्तार और आने वाले समय में होने वाले निगम चुनाव के विषय को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। ऐसे नेतृत्व के साथ हमारे जिला को संभालने के लिए उत्तरदायित्व दिया जाए ताकि वो अपना तन मन धन से इस कार्य को आगे ले जा सके। जैसा आम आदमी और कई पार्टी कर रही वैसे ही हो, और मैं जनता को जानने वाले मेरे नजर में एक उत्साही और काम करने वाला व्यक्ति। गौरतलब है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इंडिया के साथ गठबंधन कर अपनी भूमिका निभाई थी, मगर अब वही पूरी तैयारियों के साथ नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने अपनी रणनीति बना रही है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम जायसवाल तथा महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा झा ने अपनी चर्चा में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगे की योजना बताई। के पास पूरी जानकारी कि हमारी भूमिका कैसी रही है, तो इस पर बात करने की बजाय हम संगठन पे बात करेंगे और संगठन विस्तार के साथ हम चुनावी प्रक्रिया पे बात करेंगे। तो अभी जो त्रिस्तरीय चुनाव होने का है उसमें महिलाओं की भागीदारी अगर ग्रामीण स्तर पे जाते हैं तो 50% है, कहीं कहीं 33% है। तो महिलाओं के बिना इस चुनाव को हम लड़ नहीं सकेंगे, इसलिए संगठन निर्माण में मेन विंग के साथ साथ महिलाओं की भी भूमिका प्रमुख रहेगी। इसलिए मेन विंग और महिला विंग दोनों साथ इस प्रक्रिया पे लगे हुए हैं। तो हम चिन्हित कर रहे हैं कि संगठन का निर्माण कैसे हो, महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़े, ताकि हम जो है नगरीय निकाय में महिलाओं के साथ हम उस चुनाव को लड़ सकें, पहली बात। दूसरी बात, आधी आबादी जब महिला की है तो वोट परसेंट भी लगभग आधा रहता है। तो जब तक महिला शक्ति आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हम किसी भी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते। इसलिए हमारी पार्टी चूंकि नहीं है, आपको भी मालूम है 10 साल पुरानी पार्टी है, और लोग इतना प्रेशर डालते हैं कि आपने कितना जीता। अरे हमने जीता है, कुछ भी जीता हो, 2 वोट भी पाया है तो हमारे लिए प्लस है, क्योंकि हम पा रहे हैं, खो नहीं रहे हैं। तो हम उस आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात गठबंधन का, तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि नगरीय निकाय में हमारा कोई गठबंधन नहीं है, ऐसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिलासपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो जो पार्टी लाइन जो कहेगी हम उस आधार पे चलेंगे, पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है। तो अभी तक जो निर्णय हमारे पास आया है कि हम नगरीय निकाय हम स्वतंत्र लड़ेंगे, तो उस पर हम कायम है। अभी नई कार्यकारिणी गठित होने के बाद मुझे भी एक नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत मैं आज यहाँ के दुर्ग लोकसभा की बैठक पे हम लोग शामिल हुए हैं। यह पहली बैठक है, बैठक 2 एजेंडे के साथ यहाँ पर शुरू हो रही है। संगठन विस्तार और नगरी निकाय चुनाव को लेकर यह चर्चा हो रही है, और इस बार जो है हम पूरी दमदारी से नगरी निकाय चुनाव लड़ेंगे, निगम के चुनाव लड़ेंगे, पालिका के चुनाव लड़ेंगे और नगर पंचायत के चुनाव लड़ेंगे। आज हम यहाँ पर इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि यहाँ पर जितने भी दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में आने वाले जितने भी नगर पंचायत हैं, नगर पालिका है और नगर निगम है, उसके प्रभारी नियुक्त हों, संगठन में जो नियुक्तियां बाकी रह गई है उस नियुक्तियों पर चर्चा हो, और सभी लोगों से चर्चा के पश्चात प्रस्तावित नाम पर चर्चा हो और उस प्रस्तावित नाम पर जल्द नियुक्तियां, ये सब विषय को लेकर आज हम यहाँ पर बैठक करने आए। देखिए, हर बार चुनाव के बाद एक निराशा तो सभी पार्टियों में होती है, जो जिस पार्टियों में हार होती है। हमारे साथ में ये प्लस है कि हमारा जो है अभी जलंधर में जीत हुई है हमारी, कहीं ना कहीं हमारे लिए उत्साह का एक वो मिलता ही रहता है। और आम आदमी पार्टी लोग वाले लोग हैं, हम हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। तो हम उस उम्मीद के साथ में एक नए सिरे से और एक नए उत्साह के साथ इस नगरीय निकाय चुनाव में पूरी दमदारी से कूद रहे हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।